जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से ही होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं अपने घर पे मौजूद हूँ। आज संडे का दिन है और मैंने एक वो ख़रीदा है, साउंड प्लेयर, साउंड मिक्सर, जो मैं आज चेक करूँगा अपने पास घर में। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, मेरे पास ये चीज़ें मौजूद हैं तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना आता है। तो सबसे पहले ये मेरा चेकिंग बोर्ड है जिसमें मेरा एक चार्जर लगा हुआ है, एक मेरी विजिबिलिटी भी इसके ऊपर, ये इसको सीरीज बोर्ड भी कह सकते हैं। अगर कुछ ना कुछ भी मसले मसाइल होता है तो ये ब्रेकर जो है मेरे ट्रिप हो जाते हैं। तो मैंने ये कबाड़े मार्केट से, वो जो घर पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई नहीं होती लोगों की, वो बेच देते हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो ये कुछ मैंने ख़रीदा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये भी देखिए कि इसको मैं सेट कर रहा हूँ, और दुआ कीजिए अल्लाह करे ये चल जाए। कबाड़े में किसी ने फेंक दिया था, ये मैंने ख़रीदा है कबाड़े से, यानी कि वो नहीं होता, वो ठेले वाले चल रहे होते हैं, उनको बुलाते हैं और अपनी चीज़ें, ख़राब चीज़ें दे देते हैं। तो ये किसी की ख़राब चीज़ थी, उसने कबाड़े वाले को दे दी थी, तो ये मैंने कबाड़े वाले से परचेज़ किए 550 रुपये की तोल के हिसाब से। इसकी बाकी चीज़ें भी आपको दिखाता हूँ। ये इसमें स्पीकर लगे हैं और अभी इसका ये चेकिंग करेंगे इसकी। ये मेरे ख्याल से किसी का ऑडियोनिक का ब्रांड है और ये मेरे ख्याल से स्पीकर वगैरह हैं जो आते नहीं हैं वो LCD के साथ, ये वो लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, देखता हूँ ये अल्लाह करे चल जाए, मेरे पीछे बच जाएंगे। 500 रुपये ख़रीदा है मैंने कबाड़े वाले से। इसका मैं आपको दूसरा भी दिखा देता हूँ, दूसरा हिस्सा जो है, ये तो स्पीकर वाला हिस्सा है। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए निकाल के रखी हैं, ये कुछ इसमें इस्तेमाल भी होंगी। ये स्पीकर है मेरी, सारा मेरा सामान है अपना है, ये मेरा सोल्डरिंग वायर है, हीटर है, WD-40 है मेरा, और ये हथौड़ी है, और ये कचरा वगैरह साफ़ करने के लिए, और ये मेरा बोर्ड है, और ये बोर्ड में मेरा मोबाइल का चार्जर लगा हुआ है, और ये मेरा दूसरा उसका पार्ट मेरा, इसके अंदर ये सर्किट लगा हुआ है। अब ये सर्किट अलग था, ये अलग था, और ये अलग था, तीनों चीज़ें अलग अलग थी। अब इसको देखते हैं क्या हो सकता है इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सेट करना। इसको चेक करते हैं हमारे, ये सबसे पहले ये लूँगा मैं, कैमरे की सेटिंग कर रहा था, कैमरा मेरा सेट हो चुका है। सबसे पहले इसको ये करेंगे, इधर लगा के इसका मुझे लग रहा है, तो मैं इधर ऐसे यूँ लगा दूँगा। ये इधर का लग रहा था, और ये इसके अंदर तीन वो हैं, तीन वाला, तो मैंने बटन इसमें खोल देंगे, बटन किसी ने लगाइए इसमें, सारे तारों को देखेंगे कौन सा कौन किधर है। इसमें दो पॉइंट वाला ये लग रहा है,
पे, और ये आपका बराबर है 4 पॉइंट वाला, ये 5 6 6 पॉइंट इसमें लगा देंगे। ये इसमें लग गया, और ये क्या चाहिए, ये दरपा लग रहा है, इसको हम इसमें लगा देंगे। चलिए ये इसमें सारे इसके पॉइंट इसको जो काम तो हो गया, अब इसमें देखना है स्पीकर अलग है, इसके स्पीकर होगा एक पॉइंट ये निकला हुआ, अब ये पॉइंट ढूंढना है कहाँ से निकला हुआ। ये इसका वायर, ये वायर अभी ये मुझे नहीं लगाना, मैं साइड में रख देता हूँ। ये देखिए, ये स्पीकर वाला पॉइंट मुझे ये लग रहा है, क्योंकि यही अलग है, बाकी सारे जुड़े हैं। ये स्पीकर होगा तार मैंने लगा दिया है इसमें, और कोई पॉइंट देख लेते हैं जो मिला तो नहीं, और पॉइंट की मैंने जो कबाड़े से आया है इसके अंदर सबसे पहले पॉइंट्स की टाइपिंग के लिए कार्बन वगैरह पता नहीं कब से बंद हो ख़राब हो, इसके अंदर कार्बन बढ़ जाता है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम उठा लिया अपना WD-40 है मेरा। ये मैंने 150 रुपये का बाय किया था, किसी भी शॉप से मिल जाता है ये हार्डवेयर की शॉप से। तो इसके अंदर हम सबसे पहले WD-40 मारेंगे, जो कार्बन जो इसके अंदर बैठ जाता है वो हट जाए। ये इसकी नोक है, और ये इसके अंदर ऐसे WD-40 हल्का हल्का सा स्प्रे करना है, कार्बन हट जाए इसके तमाम पॉइंट्स हो, अपना वर्क सही कर। आप देखें ये मैं WD-40 यूज़ मार रहा हूँ, अब इसको लगेंगे 10-15 मिनट पूरा WD-40 सूखने के लिए। मिनट वेट करते हैं इसका। ये मेरे पास मुझे इसका कुछ तार जो छोटा नहीं लगा था, तो मैंने सोचा इसका थोड़ा सा तार बड़ा करने करते हैं। वीडियो के अंदर मुझे कुछ कम लग रहा था, तो मैंने सोचा अपना लैपटॉप रख लिया। ये भी बेचारा खराब हो गया, हल्के हल्के इसकी भी थोड़ी मरम्मत करवानी है, नाश पिला दे रहे
मेरा लैपटॉप रिस्टार्ट हो चुका है। ये मैंने ऐसे ये दोनों तार कट कर लिए हैं। ये मैंने तार चारों तारों के ये कटिंग कर लिए हैं, ठीक है। और अब ये मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। छील लिया है कटर से। दोनों हमने पानी ये छील लिया है, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, जो हमने रेड का रेड में ही जोड़ेंगे, रेड का रेड में ही जोड़ना है। इस तरीके से ये ब्लैक ब्लैक में तरीके से हमने दोनों पॉइंट्स रेड रेड ब्लैक टू ब्लैक जी देख सकते हैं। मैंने दोनों पॉइंटों को बहुत ही अच्छे तरीके से टेप कर दिया है। ये देखिए, ठीक है। अब ये मैं इसके अंदर जोड़ूंगा। ये मैंने जोड़ दिया है तार इसमें इसका। अब इसको हम आसानी से कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ये खड़ा करते हैं, यहाँ पर अपने स्टेबल करते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। इसका वायर है, ये वायर मैं लगाऊंगा अपने एक्सटेंशन बोर्ड में। ये मेरा बोर्ड है, पहले बोर्ड, ये बोर्ड मेरा ऐसा है, इसके अंदर कुछ कोई भी मैं चीज़ चेक करता हूँ पहले इसके अंदर करता हूँ। अगर कुछ भी होता है धमाका वगैरह, सबसे पहले ये ब्रेकर ट्रिप हो जाते हैं मेरे। ये दो ब्रेकर इसमें लगे हुए हैं, ये ब्रेकर ट्रिप हो जाते हैं। ये हमने लगा दिया इसमें, ये हमने लगा दिया इसमें।
ठीक है, ये इसका वायर है, ये हमने इसमें लगा दिया, देखते हैं क्या होता है आगे, ये सही होता है या खराब होता है। माशाल्लाह ये सही है, सही है, ये मेरी मेहनत रंग ला गई है, सही है। देखते हैं तो क्या आ रहा है, अरे वाह तो सही चीज़ निकल गई, बिल्कुल तो ऑप्शन आ गया। क्या करते हैं, ये मेरे पास मेरा दूसरा मोबाइल है, तो इसके अंदर ये देखते हैं, ये देखिए ये मेरी वीडियो का, इसमें मेरा चैनल जो इस पर सब्सक्राइब है, और ये मेरे वीडियो का वो आ रहा है, ब्लूटूथ खोलेंगे इसकी, ब्लूटूथ का है, मेरी ब्लूटूथ। मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। कनेक्टिंग हो रहा है, ये कनेक्ट हो चुका है, ये देखिए, और ये आप वीडियो, और ये इसके अंदर क्या करेंगे, आवाज़ लगाने मुझे लग रहा है, और ये आप देख सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है ये चल के रहा है। मैं ये समझूंगा कि ये आपकी मोहब्बत है, आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो यही मुझे हौसला देगा, और मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊंगा ताकि लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ पहुँचे, लोग सही समझें, और बाकी कोई सब लोगों को सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अमन फिर आप। तो वीडियो अच्छी लगी हमें, मुझे कमेंट में बताना है, मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे ये मेरे लिए इनाम होगा आपके लिए, मैं ये समझूंगा कि ये आपकी मोहब्बत है, आप मुझे सपोर्ट करेंगे। ये सरकार का दर है, दरे शाह तो नहीं, जो मांग लिया और भी कुछ मांग, वो लोग जो कहते हैं कि करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे ना जा, और भी कुछ मांग, दे सकते हैं क्या कुछ के वो कुछ दे नहीं सकते, ये बात न कर होश में। ये आपके सामने है, तो ये आपके सामने चल भी रहा है, स्लो कर दो, चेक कर लेते हैं इसमें यूएसबी चल रही है या फिर नहीं चल रही, यूएसबी भी देख लेते हैं, यूएसबी है मेरी, यूएसबी पोर्ट है इसमें लगाई,
एज भी लिखी हुई यहाँ पर, यूएसबी भी चल रही है। तो ये मेरे 500 रुपये जो है काम आ गया मेरा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से ये खराब चीज़ को मैंने कारामद बनाया है और ये माशाल्लाह चलती रहती है। तो नाज़रीन, देखा आपने मेरा चैनल है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और मुझे बताना भी है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। आशा से लगे आशा बताऊँगी। तो ये मेरी फ्री टाइम एक्टिविटी भी है और ये चल रहा है, मैंने दोबारा से खरीदा है, यकीन नहीं हो रहा ये चीज़ चल रही है। 500 रुपये की लिए मैंने टोल के हिसाब से लिए। अब उसने जिसने मैंने लिया है कबाड़े वाले थे, उसने बोला है कि भाई चले या ना चले या ऐसा बोला, चलो भाई दे दो, उसको पता तजुर्बा कर लेंगे घर में बैठ कर। तो देखा अपने किस तरीके से तो फायर आते हैं।